Assalamualaikum viewers, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी जस्ट 4 इंग्रेडिएंट डिजर्ट रेसिपी लेकर आए हैं। जी हाँ, कैरेमल पुडिंग की रेसिपी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम पुडिंग का बैटर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 1 एग लिया है, उसमें मैं 2 टीस्पून शुगर ऐड कर रही हूँ, 1/2 कप मिल्क ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं 1 टीस्पून मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ, इसे भी मिक्स कर लेंगे। ये हमारा बैटर रेडी हो गया है। इसके बाद मैं कैरेमल रेडी करूंगी। उसके लिए मैंने 1/4 कप पानी लिया है, उसमें मैं 3 टेबलस्पून शुगर ऐड करूंगी और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करूंगी। कैरेमल बनाने के लिए आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि आंच बिल्कुल लो हो और आप उसका कलर जो है वो बिल्कुल अच्छा सा गोल्डन ब्राउन रखें। आपको मुस्तकिल इसे स्टिर करना है ताकि ये बिल्कुल भी जले नहीं और इसका कलर डार्क ना हो। आहिस्ता आहिस्ता कैरेमल अपना कलर चेंज करने लगेगा। ये देखिए, अब इसमें कलर आना शुरू हो गया है। अभी आपको इसमें बबल्स नजर आ रहे हैं क्योंकि इसमें अभी पानी है, लेकिन जैसे ये रेडी होगा तो इसके बबल्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और कैरेमल की सॉस बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये देखिए, इसके बबल्स अब खत्म होने लगे हैं और कलर इसका आने लगा है। इसे हम बहुत ज्यादा डार्क नहीं करेंगे। कैरेमल जैसे ही रेडी हो जाए तो हम इसे थोड़ा ठंडा करेंगे पोर करने से पहले। उसके बाद हम इस तरह से कंटेनर के बेस में से पोर करके अच्छे से सब जगह फैला लेंगे। मैंने यहाँ पे प्लास्टिक कंटेनर लिया है, आप कोई भी मोल्ड ले सकते हैं जिसमें आप अपनी पुडिंग रेडी करें। इसके बाद हम इसमें जो हमने बैटर बना के रखा था पुडिंग का, वो हम ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसे स्टीम करेंगे। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप वो यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह किसी पतीली के अंदर किचन टॉवल को रख के उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करें और उसके ऊपर कोई भी स्टील का कंटेनर या स्टेनर आप ले सकते हैं वो रखें और उसके अंदर अपना जो पुडिंग आपने रेडी की है वो रखें। इसे अच्छे से ढक के अब हल्की आंच पे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक कुक करेंगे। 15 मिनट्स हो चुके हैं। हम टूथपिक से इसको चेक करेंगे कि हमारी पुडिंग रेडी हो गई है या नहीं। हमारी पुडिंग बिल्कुल रेडी है। इसके बाद हम कंटेनर से इसको अलग कर लेंगे इस तरह से नाइफ की मदद से। मज़ेदार कैरेमल एग पुडिंग तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।